वेलकम टू ओनली आइए स्वागत है आप सभी लोगों का बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आज 2 मई 2022 है तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल म्यूजियम ग्रांट स्कीम के बारे में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी हाल ही में 3.75 पॉइंट सेवन फाइव करोर अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम के तहत दिए हुए हैं ये जो अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम है ये म्यूजियम ग्रांट स्कीम का हिस्सा है पाँच करोड़ का प्रोजेक्ट है एल्यूरू टाउन के आंध्र प्रदेश का जहाँ पर म्यूजियम अपग्रेड किया जा रहा है उसमें से थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ रुपीज़ दे दिए गए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो म्यूजियम ग्रांट स्कीम है वो न्यूज़ में आई है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है दो हज़ार तेरह में इसे स्टार्ट किया गया था बेसिक ऑब्जेक्टिव एकदम साफ है हम नए म्यूजियम्स को बनाएं उन्हें स्ट्रेंदन करें मॉडर्नाइज करें रीजनल लेवल पर स्टेट लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर प्लान तो ये है कि हर साल कम से कम एक कोई सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का म्यूजियम स्टैब्लिश हो स्टेट में हो रहा है तो स्टेट की कैपिटल में हर साल कम से कम एक बने इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं किसी सोसाइटी को दे सकते हैं ऑटोनोमस बॉडी लोकल बॉडी ट्रस्ट इन्हें भी दिया जा सकता है जो सोसाइटीज एक्ट ऑफ एटीन में रजिस्टर्ड हों जो कोई नया म्यूजियम बना रहे हों इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट या रीजनल म्यूजियम्स बनाए जा सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट या रीजनल म्यूजियम्स बनाए जाएंगे इनमें बेसिकली होंगी दो कैटेगरीज पहली कैटेगरी होगी गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट लेवल म्यूजियम्स की दूसरी होगी कैटेगरी टू जिसमें बाकी के म्यूजियम्स आएंगे ये जो पहली कैटेगरी है बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल म्यूजियम्स इसमें दस करोड़ के फाइनेंशियल असिस्टेंस को देने की बात की गई है दूसरा होता है स्टेट कैपिटल में म्यूजियम को इस्टेब्लिश करना इसमें भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वो बुरूर म्यूजियम्स को दिया जाएगा जो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और स्टेट की कैपिटल सिटीज में लोकेटेड हैं इस कॉम्पोनेंट में पंद्रह करोड़ पर म्यूजियम देने की बात की गई है तीसरा आता है स्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ लास्ट स्केल म्यूजियम इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड यहाँ पे जो म्यूजियम्स होंगे वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होंगे तो पहले वाली कैटेगरी में दस करोड़ दूसरी वाली कैटेगरी में पंद्रह करोड़ और तीसरा जो पी, पी, पी मॉडल पर होगा इसमें बेसिकली वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का फोर्टी देंगे जो बीस करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता तो ये तीन मैकेनिज़म्स हैं म्यूजियम्स को स्टैब्लिश करने को लेकर या उनके अपग्रेडेशन को लेकर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉलकॉम सेमी कंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में है कॉलकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये पार्ट है कॉलकॉम ग्रुप ऑफ कंपनीज का इन्होंने भी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है दैट इज कॉलकॉम सेमी कंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम नाम से स्पष्ट है मेंटोरशिप देंगे ये बताएंगे कि कैसे सेमी डेवलप किए जा सकते हैं सेमी के बारे में आप बेसिक बातें जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है एक होते हैं कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को इंश्योर करते हैं दूसरे होते हैं नॉन नॉन कंडक्टर्स जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं देख पाते सेमी कंडक्टर्स उनके बीच की इकाई होते हैं जहाँ पर हमें लिमिटेड मैनर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उन्हें इंश्योर करना होता है तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमी का इस्तेमाल किया जाता है इसके संबंध में जो मैंट्रोशिप प्रोग्राम है वो कॉलकॉम इंडिया कोलेबरेट कर रहा है सी के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ इसके माध्यम से वो कुछ सेमी कंडक्टर स्टार्टअप्स को पिक करेंगे उन्हें मेंटोरशिप देंगे टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे और उनकी इंडस्ट्रीज तक पहुंच बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सकें ये बहुत अच्छी बात है कि जो बड़ी एंटिटीज़ हैं इकाइयाँ हैं वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें मेंटोरशिप दें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें प्रोग्राम का फ़ीचर ये होगा कि इसमें दस इंडियन सेमी कंडक्टर स्टार्टअप्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा उन्हें पेयर किया जाएगा किसी अन्य कंपनी के साथ और फिर उन्हें मेंटोरशिप दी जाएगी मास्टर क्लास वर्कशॉप्स होंगी जहां उन्हें सिखाया से जाएगा सेमी कंडक्टर्स के डिज़ाइन टेस्टिंग वेरिफिकेशन पैकेजिंग ये तो कुछ टेक्निकल पार्ट हो गया जो नॉन टेक्निकल टॉपिक्स हैं उन पर भी उन्हें असिस्टेंस मिलेगा जैसे कि पिचिस आई मार्केटिंग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि वो अपनी प्रॉफिट को स्केल कर सकते हैं ये सब जानकारी भी दी जाएगी सी डै जिसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है इस कॉल का सी डैक एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक के तहत काम करती है यानी कि मेती के तहत ये भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं यहाँ पर वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स का डिप्लॉयमेंट या नए नए सोल्यूशंस निकालना इसके संबंध में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो इसे इंश्योर करने का काम सीडैक करता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मदर नेचर अ लिविंग बींग के बारे में है मदुरई की जो बेंच है मद्रास हाईकोर्ट की उन्होंने इन्वो किया है पेरेंस पेट्रेई जुरिस्टिक्शन पेरेंट्स पेट्रेई का मतलब होता है एक लैटिन वर्ड है बेसिकली जिसका मतलब होता है पेरेंट ऑफ द नेशन जहां पर जो स्टेट होता है वो एक पेरेंट माता पिता की तरह वर्क करता है यहां पर यह कहा गया है कि जो मदर नेचर है वो एक लिविंग बींग है वो एक जीवित व्यक्ति है और अगर किसी को भी लिविंग बींग का दर्जा दे दिया जाए तो वो एक लीगल एंटिटी हो जाता है जो भी अधिकार एक लिविंग बींग को मिलते हैं वो चाहे नॉन लिविंग बींग ही क्यों ना हो उसे वो मिलेंगे मदर नेचर को अगर लिविंग बींग डिक्लेयर किया गया है तो मदर नेचर बींग मतलब लिविंग बींग उन्हें एक लीगल पर्सन को मिलने वाले सभी अधिकार मिल जाएंगे उनकी राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे कि एक इंसान की होती हैं और उन्हें प्रिजर्व भी करना होगा स्टेट को ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी इंसानों जैसे ही मदर नेचर को मिलेंगे ताकि उनके सर्वाइवल सेफ्टी सस्टेनेंस एंड रिसर्जेंस को इंश्योर कर सकें ताकि उनका स्टेटस बना रहे और हम well हेल्थ और वेलबिंग को इंश्योर कर सकें यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि वो मदर नेचर को बचाने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाएं जो नेचुरल इन्वायमेंट है उसे बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पे देखा जाए राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आपको एक अच्छा इन्वायमेंट भी मिले अगर अच्छा इन्वायमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आपका जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो राजा माला इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में है ये देखा जा रहा है कि जो न्यूबॉर्न नीलिथ थार्स हैं जिनकी उम्र एक साल तक होती है उनका सर्वाइवल रेट राजामाला माला नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा है बाकी लोकेशंस की तुलना में जैसे कि साइलेंट वैली पुथाड़ी या मुन्नार जहाँ पर ये पाए जाते हैं ये आइसोलेटेड हैबिटेट्स हैं बेसिकली तो आइसोलेटेड हैबिटेट्स में वैसे भी जीवों के बचने की संभावना कम रहती है वो एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं ना राजामाला जो है बहुत ही बढ़िया सा हिल स्टेशन है केरला के इडुक्की में है और जो राजामाला हिल्स हैं ये आपको मिलेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क में एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस नेशनल पार्क का नाम राजामाला इराविकुलम नेशनल पार्क रख दिया गया है बेसिकली जो इराविकलम नेशनल पार्क है ये जो कन्न देवन हिल्स हैं, साउथ वेस्टर्न घाट का जो पूरा एरिया है 97 से किलोमीटर का वहाँ पर फैला हुआ है यहाँ पर देखिए इराविकलम नेशनल पार्क जो है वो हाइएस्ट डेंसिटी रखता है लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो नीलगिरी थार की है उसकी ये एक इंडेंजर्ड माउंटेन गोट है बकरी जैसी एक प्रजाति है जो इंडेंजर्ड है राइट नम इस पार्क को मेनली बनाया ही गया था नीलगिरी थार को बचाने के लिए देखिए नीलगिरी थार तो बेसिकली यहाँ मिलता ही है फर्जा जो इराव नेशनल पार्क है वो नीला कुरुजी फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है हर बारह साल पर जब आप वहाँ पर जाके देखेंगे जब बारह साल पर ये फ्लावर्स खेलते हैं तो पूरा एरिया बिल्कुल ब्लू हो जाता है इन फ्लावर्स की वजह से और फिर उस समय ये नज़ारा देखने लायक होता है नीलगिरी थार ये एकमात्र माउंटेन ओंगोलेट है मतलब खुर वाला एक मैमल जो सदरन इंडिया में पाया जाता है जो बारह स्पीसीज इंडिया में है उनमें नीलगिरी थार कश्मीर और भूटान का जो एरिया है वो भारत में यहाँ पर आपको मेजर, मेजरली मिल जाते हैं बाकी साउथ इंडिया की जो लोकेशन है वहाँ तो हम बात कर ही रहे हैं जो अरेबियन थार है वो आपको ओमान और यू में मिलता है ठीक है ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है वेस्टर्न घाट के रीजन्स में आपको ये मिलता है बेसिकली और छोटे छोटे पॉकेट्स में अन्य जगहों पर भी आयु सी की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और डब्ल्यू पी के शेड्यूल वन में है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि हाल ही में न्यूज आई है कि एक आई ऑफिसर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 2019 में कश्मीर में अनबेटेड किलिंग्स को आधार बनाकर प्रोटेस्ट करते हुए उन्हें अभी हाल ही में रीइंस्टेट कर दिया गया है मतलब उनकी जॉब को बहाल कर दिया गया है हम बात बेसिकली शाह फैज़ल जी की कर रहे हैं उन्होंने दो में जब कई सारी किलिंग स्टार्ट हो गई थी तो उसको प्रोटेस्ट करते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो सही नहीं है उसी आधार पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बाद में उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा गया उन्हें जो भी उन्होंने किया उस पर अपना उन्होंने पछतावा भी जाहिर किया था और यह कहा था कि वह अपनी सर्विस में दोबारा आना चाहेंगे टेक्निकली उनके रेजिग्नेशन को सरकार ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था उन्होंने बस रिज़ाइन करके अपनी जॉब को छोड़कर पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था लेटर ऑन उन्होंने वापस से जॉब में आने का मन बनाया तो सरकार ने उन्हें बहाल भी कर दिया इसी मामले में ये पूरा मामला न्यूज़ में आया है कि एक आई ऑफिसर कैसे रिजाइन करता है और क्या इस प्रकार की बहाली पॉसिबल है देखिए जो रेजिग्नेशन होता है किसी भी जो तीन सर्विसेज हैं बेसिकली आई आई और आई यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिस ये सर्विसेज जो हैं इन्हें रूल फाइव वन और फाइव वन ए के तहत जो ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958 फिफ्टी एट हैं उन्हीं के तहत इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं जो कैडर में हैं अपने मतलब स्टेट में सर्विस दे रहे हैं वो तो अपना रेजिग्नेशन चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं उनको दे देते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्टेट की ओर से सेंट्रल के डिप्यशन पर भेज दिया जाता है जो वेरियस मिनिस्ट्रीज में जाके काम करते हैं तो उन्हें जो मिनिस्ट्री या उनका डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन देना होता है तो ये तो हो गया कि रेजिग्नेशन देना किसको है अब यहाँ पर देखिए रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेरियस एंटिटीज के पास है जैसे आई के संबंध में यूपीटी के पास है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री आईपीएस का देखती है तो इसके पहले कि उनकी रेजिग्नेशन को फॉरवर्ड किया जाए जो अथॉरिटी रेजिग्नेशन ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो उसके साथ जो भी उनके ड्यूज़ हैं उनका जो भी स्पेसिफिक रीज़न है उसके साथ साथ उनके खिलाफ कोई करप्शन के केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं उन सभी को अटैच करके भेजते हैं उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि उनके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के पहले देखा जाता है उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि उनका जो रेजिग्नेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आई के केस में डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आई की रेजिग्नेशन को फाइनल करेगी और फॉरेस्ट सर्विसेज के केस में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइड करेगी कि रेजिग्नेशन लेना है अथवा नहीं लेना है क्या एक ऑफिसर को रेजिग्नेशन विद्रॉ करने को अलाउ किया जा सकता है हाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस व्यक्ति को ऑथराइज किया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर ले और सर्विस में वापस आ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है खैर साफ फैजल जी के, के, के केस में तो टेक्निकली उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं गया था तो ये चैलेंज यहाँ पर था नहीं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में है एनिक टू पॉइंट ओ इसका फेज़ वन जो सेकेंड एडिशन का है हाल ही में शुरू हुआ ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन का और नीति आयोग का बेसिकली नीति आयोग का ही इनोवेशन ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन इसके माध्यम से भारत में हम इनोवेशन को जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हों उनको नर्चर सपोर्ट इसकी कोशिश करते हैं उन्हें देखें सेलेक्ट करें सपोर्ट करें और नर्चर करें तो इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रयास बेसिकली ये है इसके माध्यम से हेल्थ वाटर सैनिटेशन एजुकेशन हाउसिंग एनर्जी मोबिलिटी स्पेस एप्लीकेशन में हम इनोवेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर स्टार्टअप्स को पिक किया जाएगा बारह से अट्ठारह महीनों तक उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा और यह सपोर्ट एक करोड़ रुपए तक का हो सकता है फंडिंग ठीक है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ के बारे में है हम चाहते हैं कि हमारे शहरों में कचरा ना हो इसके लिए हमें बिहेवियर में बदलाव लाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट ओ के तहत ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जो एक जन आंदोलन चल रहा है कि हमें गार्बेज फ्री सिटीज़ बनानी है जहां कचरा ना हो उसके लिए ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट या ब्लूप्रिंट की तरफ वर्क करेगा इनको फॉलो करके हम लोगों को एजुकेट करेंगे कैंपेन्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे कि आपको कैसे अपने शहर को साफ रखना है फोकस एरिया होगा कि सोर्स एग्रीगेशन हो कचरे का गीला कचरा सूखा कचरा फर्दर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट की प्रोसेसिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये सब बढ़िया किया जाए इसके लिए काम किया जाएगा रिविजन करते हैं म्यूजियम ग्रांट स्कीम एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम जो स्टेट की कैपिटल में हो हर साल स्टेबलिश करने का प्रयास है डेवलप करेंगे दैट्स ट्रू राजला इराविकुलम नेशनल पार्क महाराष्ट्र गलत है केरला सीड एक्ट ये प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मेटी के तहत सही है नीलगिरी थार आयुष स्टेटस वर्नरेबल है गलत है, है. इंडिया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का ये तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का ठीक है तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो गया तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आई के टेलीग्राम चैनल पे इस क्यू कोड को स्कैन करके भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो जाइए पी को डाउनलोड करिए और रिविज़न करना मत भूलिएगा सो डेट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच